हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के ऑल क्वेश्चंस को सॉल्यूशन सहित आप लोग के लिए डिस्कस किया। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स। हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के सीखना है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स को वन डायरेक्शन में लेके चलेंगे। तो इट इज 3x माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 18। 3x में से जब हम 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमेनिंग बचेगा x। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको दिया है, गिवन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो इसमें भी वेरिएबल टर्म्स की को वन डायरेक्शन में लेके चलिए, 5t माइनस ऑफ 3t, क्योंकि प्लस t 3t को इस डायरेक्शन में लाएंगे तो माइनस का 3t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। अब माइनस 3 को इधर लेके चलें तो हमारा हो जाएगा प्लस ऑफ 3। 5t में से 3t को सब्ट्रैक्ट करें तो इट इज बिकम्स 2t एंड माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 3 इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। क्योंकि जब हम दो प्लस और माइनस की संख्याएं होती है उन्हें सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में से 3 गया 2 गया, लेकिन 5 के सामने माइनस साइन है, बड़ी संख्या है, इसलिए इसके फ्रंट में भी क्या आएगा, माइनस साइन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हुए हम इसे सिंप्लीफाई करें तो टी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस 2/2। तो 2 × 2 एंड 2 × 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1/1, और सिंपली हम इसे लिखेंगे -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। यहाँ पे हमको गिवन है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू x प्लस 3 of x। इसमें भी हम वेरिएबल को वन साइड करेंगे, 5x माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 5, और प्लस ऑफ 9 को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो माइनस ऑफ 9। 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज 2x, एंड अगेन यहाँ पे प्लस और माइनस वाली संख्या है, सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके आएगा 4, और साइन बड़ी संख्या यानी 9 के फ्रंट का लगाएंगे माइनस ऑफ 4। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज -4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए यहाँ लेके चलिए, 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ को लेते हैं। 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 ऑफ जेड। 4 ऑफ जेड, 2z को इस डायरेक्शन में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2z एंड 6 माइनस ऑफ 3। 4z में से 2z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2z बढ़ जाएगा, एंड 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए z की वैल्यू निकालें, 3, और यहाँ पे अपॉन 1 है तो 2 × 2 करते हुए, हैंस द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। आप 2 टाइम्स ऑफ x, माइनस x को आप इस डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो प्लस का x इज इक्वल टू 14, एंड माइनस 1 को इस डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो प्लस का 1। 2x प्लस x हमारे पास हो जाएगा 3x, 14 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 15। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए 15 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए ले जाइए 3, तो 3 × 3, 3 × 5 = 15। सो और आंसर x इज इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, 8 ऑफ x प्लस 4, मल्टीप्लीकेशन करिए, ये मल्टीप्लीकेशन साइन है यहाँ पे, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स एंड 3 × 3 माइनस साइन के साथ प्लस ऑफ 7। पहले वन डायरेक्शन का हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 माइनस ऑफ 3 इट इज इक्वल टू प्लस ऑफ 4। अब एक्स एक्स वेरिएबल को वन साइड करिए, 8x माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 4। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 4, देन एक्स इज इक्वल टू 0/5, एंड 0/5 हमारा आंसर क्या होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ पे हमको गिवन है x इज इक्वल टू 4/5, मल्टीप्लीकेशन में x प्लस 10 गिवन है, तो x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। सबसे पहले हम देखें ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 5 को यहाँ पे लेके चलते हैं, तो 5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट के अंदर हमारा आ जाएगा x प्लस 10। अब मल्टीप्लीकेशन करें हम, 4 टाइम्स ऑफ एक्स इज 4x एंड 10 फोर्स ऑफ 40, सो इट इज बिकम्स 5x माइनस ऑफ 4x इज इक्वल टू 40। देन 5x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे x, तो यह आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 40।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। 2x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। वेरिएबल टर्म्स को यदि हम वन डायरेक्शन में करें तो यह आ जाएगा हमारा माइनस का 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 1 एंड 3 एंड 5 15 का एलसीएम हमारा आएगा 15। 15 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5 टूज 10 ऑफ x, और 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ओनली हमारा बचेगा 7x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 10x में से 7x सबट्रैक्ट करें तो 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 वन जो 3, 3 5 जो 15, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू निकालना है तो x को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 2 मल्टीप्लाई 5, हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। इसमें भी वेरिएबल को पहले वन डायरेक्शन में ले लेते हैं। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 एंड प्लस का 5 बाई 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 5 बाई 3 एंड 2y प्लस y इज इक्वल टू 3y। एलसीएम हमारा आएगा 3, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में हमारा है 3, 26 माइनस ऑफ 5 देन 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 5 इज 21 अपॉन 3, 3 वन जो 3, 3 7 जो 21, अगेन हमारे पास हो गया 3y इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये हमारा आ जाएगा 7 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 5। अगेन वेरिएबल टर्म्स जो हमारी इंक्लूड कर रही है m को वन साइड में लेते हुए तो ये जाएगा हमारा माइनस का 5m एंड माइनस का 8 अपॉन 5। 3m में से 5m को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, प्लस और माइनस की संख्याएं सब्ट्रैक्ट होंगी, ये हमारा बचेगा माइनस का 2m। 5 में से 3 गया 2 और m बड़ी संख्या, 5m के सामने माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 2m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। अब द बॉट डायरेक्शन में हमारा नेगेटिव साइन है तो हम इसको सिंपलीफाई करते हुए कैंसिल करके पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम ऐसे भी लिखते हैं माइनस का 8 5 और डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, 2 इंटू 2 2 4 8, सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4 अपॉन 5।